गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर 4 मैप्स मतलब मानचित्र के बारे में पढ़ेंगे। हमने चैप्टर 2 में ग्लोब के बारे में पढ़ा था। ग्लोब की अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, इसलिए हमें मैप की आवश्यकता होती है। ग्लोब मतलब जब हम अर्थ को एज ए होल दिखाते हैं तो हम ग्लोब का यूज़ करते हैं। मैप, जब हम मैप की बात करते हैं तो मैप में रीजन्स को शो किया जा सकता है। पृथ्वी का मानचित्र, जहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज, रिवर्स, माउंटेन्स, रोड्स आदि दिखाई जा सकती हैं। जो ग्लोब है हमारा वो इजी पोर्टेबल नहीं है, लेकिन यदि हम मैप की बात करते हैं तो मैप को हम, यदि हम कहीं ट्रैवल भी कर रहे हैं तो हम मैप को साथ में लेकर जा सकते हैं। इस प्रकार कई जगह पर मैप अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और कई जगह पर ग्लोब अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मैप में कंट्रीज, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट, टाउन एंड विलेजेस दिखाए जा सकते हैं। तो मैप जो है वो एक ड्राइंग रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब पूरे अर्थ सरफेस का एक नक्शा। अब इसको दिखाने के लिए स्केल की हेल्प से बनाया जाता है। मैप एक फ्लैट सरफेस होता है और उसको बनाने के लिए स्केल की आवश्यकता होती है। जब हम बहुत सारे मैप्स को कलेक्ट किया जाता है तो उसे एटलस कहते हैं। आप यदि हम मैप और ग्लोब का कंपैरिजन करें तो मैप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अदर देन ग्लोब, मतलब ग्लोब की अपेक्षा मैप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराता है। अब आता है नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ मैप्स। मैप्स के 3 टाइप्स होते हैं, पहला फिजिकल मैप, दूसरा पॉलिटिकल मैप, तीसरा थीमेटिक मैप। फिजिकल मैप जो होता है उसमें नेचुरल फीचर्स को शो किया जाता है पूरी अर्थ की, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, रिवर्स, ओशियंस, ETC। इन सब को फिजिकल मैप में शो किया जाता है। और इसका एक सब्स्टिट्यूट नेम होता है जिसको रिलीफ मैप कहते हैं। तो फिजिकल मैप को रिलीफ मैप भी कहा जाता है। सेकंड आता है पॉलिटिकल मैप, जहाँ पर सिटीज, टाउन, विलेजेस, कंट्रीज, इन सब को बाउंड्री के थ्रू शो किया जाता है, इसे पॉलिटिकल मैप कहा जाता है। नेक्स्ट आता है थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप में स्पेशल इंफॉर्मेशन दी जाती है, जैसे रोड्स मैप, फॉरेस्ट मैप, रेनफॉल मैप्स, इंडस्ट्रीज के बारे में, हम और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम थीमेटिक मैप में पढ़ते हैं। जैसे ये आप एक मैप देख सकते हैं, ये हमारा पॉलिटिकल मैप है। और नेक्स्ट जो है ये हमारा फिजिकल मैप है। इसमें सारे स्टेट्स को बाउंड्रीज के थ्रू दिखाया गया है। अब नेक्स्ट आता है कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं कि किसी भी मैप में डिस्टेंस को कैसे शो किया जाता है। मैप में हम प्रॉपर डिस्टेंस तो शो नहीं किया जा कर सकते, मतलब किलोमीटर में डिस्टेंस होता है तो हम उसको किलोमीटर में तो शो नहीं कर सकते, लेकिन जब कोई रास्ता किलोमीटर में होता है तो हम उसको मैप में यूनिट के हिसाब से डिवाइड कर लेते हैं, ताकि वो एक रियल लगे कि हाँ इतने इतनी दूरी पर ये है। अब स्केल जो होता है उसका एक रेशियो होता है, एक्चुअल डिस्टेंस जो ग्राउंड पर होता है और जो हम को मैप पर दिखाया जाता है उसका एक रेशियो होता है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि सपोज़ कीजिए कि आपके स्कूल और घर का रास्ता 10 किलोमीटर है, तो
तो मैप पर 10 किलोमीटर तो शो नहीं कर सकते, तो हमने 10 किलोमीटर को मैप में 2 सेंटीमीटर में दिखाया है। मतलब आपसे आपके घर से आप स्कूल का पूरा रास्ता मैप में हमने 2 सेंटीमीटर में दिखा दिया, तो इसका मतलब है एक यूनिट 5 किलोमीटर और दूसरी यूनिट 5 किलोमीटर, तो पूरा कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। इस तरह मैप में किलोमीटर को सेंटीमीटर में शो करके दिखाया जाता है। स्केल मैप बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जो डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट करने के लिए स्केल की आवश्यकता होती है। स्केल को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, स्मॉल स्केल मैप एंड लार्ज स्केल मैप, ये 2 इसमें यहाँ पे दिखाए हुए हैं। स्मॉल स्केल मैप, जैसे कि ये नाम से बिल्कुल ही अपोजिट होता है, स्मॉल स्केल लार्ज एरियाज के लिए, जैसे कि कॉन्टिनेंट्स कंट्रीज़ के लिए स्मॉल स्केल का ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हमें एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि 500 किलोमीटर्स दिखाना है, तो मैप में 500 किलोमीटर्स को शो नहीं किया जा सकता, तो हम इसको सेंटीमीटर में लेकर चलते हैं और मैप में 500 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर में दिखाते हैं। सेकंड आता है लार्ज स्केल मैप। अब स्मॉल एरियाज को शो करने के लिए लार्ज स्केल मैप की आवश्यकता होती है। लार्ज स्केल मैप जो है वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं स्मॉल स्केल की अपेक्षा। मतलब दोनों जो स्केल हैं वो अपने नाम के बिल्कुल अपोजिट कार्य करते हैं। नेक्स्ट आता है डायरेक्शन। कुछ मैप में ऊपर राइट हैंड कॉर्नर में एन लिख दिया जाता है, एन मतलब नॉर्थ, तो इससे बाकी डायरेक्शन का हम पता लगा सकते हैं। जैसे कि ये चारों डायरेक्शन हैं, कुछ मैप में चारों डायरेक्शन होती हैं, ये चारों डायरेक्शन होती हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, तो इनको कार्डिनल पॉइंट्स भी कहा जाता है। और ये जो इस डायग्राम में दिखाई हुई हैं, ये जो इनके बीच से निकल रही हैं, इनको इंटरमीडिएट डायरेक्शन कहा जाता है। अब नेक्स्ट आता है कंपास। कंपास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिनसे हम मेन डायरेक्शन तो पता लगा ही सकते हैं, और इसका जो लेकिन इसकी जो ये मैग्नेटिक नीडल होती है वह नॉर्थ और साउथ की तरफ डायरेक्शन को शो करती है। नेक्स्ट आता है सिंबल। अब सिंबल बहुत इम्पोर्टेंट है मैप में, सिंबल का यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि हम मैप में सारी बिल्डिंग्स तो नहीं दिखा सकते, सारी रोड्स भी नहीं दिखा सकते, ब्रिजेस ट्रीज रेलवे लाइन ये सब मैप पर पूरे शो नहीं हो सकते, तो इसकी ड्राइंग बनाकर हम इसको शो करते हैं, इसलिए हम इन सबको एक सिंबल के तौर पर भी यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि वाटर के लिए ब्लू कलर का यूज़ हम करते हैं, तो मतलब मैप में जहाँ पर भी ब्लू कलर होगा तो वो समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर वाटर का प्लेस है। ऐसी चीज़ों को हम मैप पर ड्रॉ नहीं कर सकते, उसके लिए हम सिंबल का ही यूज़ करते हैं। सिंबल के लिए लेटर शेड्स कलर पिक्चर्स या लाइन इन सब का यूज़ करते हैं, और इन सब के थ्रू हम चीज़ों को शो करते हैं। अब ये जो सिंबल हैं ये इंटरनेशनल एग्री किए गए हैं, मतलब पूरे वर्ल्ड में इनको एग्री किया है। कुछ सिंबल्स इस तरह के हैं कि उन जिनको पूरे वर्ल्ड में एग्री किया गया है, सबने ही इनको एग्री किया है, इसलिए इसको कन्वेंशन सिंबल कहा जाता है। मैप की कोई लैंग्वेज नहीं होती है, क्योंकि सिंबल के थ्रू ही इनको समझा जा सकता है। तो इससे क्या होता है कि अगर
किसी को कोई भाषा नहीं भी आती है और वो कहीं पर जाएगा तो सिंबल जो हैं वो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड हैं, सभी जगह के सिंबल जो हैं वो सेम होते हैं। वाटर के लिए ब्लू कलर, तो सभी जगह ब्लू कलर होगा, बाकी अदर कंट्रीज़ में भी। तो हम मैप के थ्रू वहाँ पर पहुँच सकते हैं। ये कुछ इसमें, ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है ये पूरा डायग्राम, ये बहुत सारी चीज़ों के सिंबल दिए गए हैं। जैसे ब्लू कलर वाटर को शो करने के लिए, माउंटेन के लिए ब्राउन, प्लेट्यू के लिए येलो कलर, और प्लेन के लिए ग्रीन कलर का यूज़ किया जाता है। तो ये बहुत सारे सिंबल हैं, इनको आप अच्छे से अपनी बुक में भी देख लेंगे कि किस किस चीज़ के लिए किस किस सिंबल का यूज़ मैप में किया जाता है। नेक्स्ट आता है स्केच। स्केच जो होता है ये रफली आइडिया होता है, मतलब ये हमारी मेमोरी पर डिपेंड करता है, केवल रफली ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करता है। इसमें हम स्केल का कोई यूज़ स्केच में हम नहीं करते हैं। अब जैसे स्केच का मतलब होता है किसी को एक रफली आइडिया देना। जैसे एग्जांपल, जैसे आपको घर से शॉप की तरफ जाना है तो कोई आपको जैसे रास्ता बताएगा, जैसे किसी ने रास्ता बता दिया कि आप सीधे जाइए, लेफ्ट मुड़ेंगे तो एक टेम्पल मिलेगा, और फिर स्ट्रेट जाइए और फिर राइट हैंड में शॉप आपको मिल जाएगी। तो ये क्या हुआ, ये किसी को एक रफली आइडिया देना हुआ कि कोई भी शॉप या कोई भी चीज़ कहाँ पर हो सकती है, उसके लिए सीधा सा एक रास्ता बता देना। मतलब उसके लिए कोई स्केल की माप ज़रूरत नहीं है, उसको कोई नाप के नहीं बताया गया, सिर्फ एक ऐसी नॉर्मल भाषा में जैसे हम लोग बता देते हैं, इस तरह से बताया गया है। नेक्स्ट आता है प्लेन, प्लान। एक प्लानिंग करके जो एरियाज़ को दिखाया जाता है, जैसे कि स्मॉल एरियाज़ को लार्जर एरियाज़ में एक प्लान के थ्रू दिखाया जाता है। मान लीजिए जैसे किसी एक मॉल का छोटा सा स्ट्रक्चर ये प्लान बनाया जाता है कि कहाँ पर कौन सा रूम होगा, कहाँ पर कौन सा डिपार्टमेंट होगा, इसी को एक पूरा प्लान कहा जाता है। अब जो मैप है उसमें लेंथ या ब्रेथ नहीं दिखा सकते तो रूम, उस रूम की, तो सिर्फ हम प्लान के अंदर ही ये कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा, फिज़िकल मैप, पॉलिटिकल मैप, और मैप कैसे मोर देन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ग्लोब की अपेक्षा, किस तरह से किसी भी चीज़ का स्केच बनाया जाता है, रफली आइडिया किसको दिया जाता है, किस तरह किसी चीज़ का प्लान बनाया जाता है, किस तरह स्केल का यूज़ करके मैप में चीज़ों को शो किया जाता है एक रेशियो लेकर। तो इस तरह हमने इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। ओके, थैंक यू।